गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। मिसेलियस एक्सरसाइज से ऐसे क्वेश्चंस जो डिफरेंट है, जिस टाइप के आपने पहले नहीं किए। सो आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑफ द मिसेलियस एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पावर 5 इन द प्रोडक्ट 1 plus 2x root is power 6 and 1 minus x root is power 7 using binomial theorem. तो इसमें हमें निकालना है x is power 5 का coefficient. 1 plus 2x root is power 6 into 1 minus x root is power 7. तो पहले मैंने यही लिखा 1 plus 2x root is power 6 and 1 minus x root is power 7. तो इसका binomial expansion दिया। ये वाला जो आपको पता है, अगर आपके पास है 1 plus a root is power n, तो किसके बराबर होता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर प्लस वन अप टू एन सी एन ए रिज पावर एन। ये बना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया। इसी तरीके से ये बना एन सी जीरो सिक्स सी जीरो रहेगा सिक्स सी वन टू एक्स सिक्स सी टू टू एक्स स्क्वायर सिक्स सी थ्री टू एक्स का क्यूब सिक्स सी फोर टू एक्स का फोर सिक्स सी सिक्स टू एक्स का फाइव। वैसे हमें x रेज पावर 5 तक ही है, लेकिन आप इसमें एक ही टर्म लिखी है तो 6c6 2 रेज पावर 6। अगर ये रेज पावर फॉर एग्जांपल 10 होता, फिर मैं x रेज पावर 5 तक ही लिखता, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 5 चाहिए। हायर पावर्स, अभी x से जो हायर पावर्स हैं वो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि इसमें आपको एक ही टर्म लिखनी थी, इसलिए मैंने लिखी। आप इसमें 1 माइनस x रूट रेज पावर 7 यही फॉर्मूला है, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस, तो वही आएगा 7c0 माइनस 7c1x, ये फिर आएगा 7c प्लस 7c2x स्क्वायर माइनस 7c3x क्यूब 7c4x रूट पावर 4 माइनस 7c5x रूट पावर 5। अब आएगा x रूट पावर 5 तक ही हमें चाहिए। अब इसमें और दो ही टर्म्स हैं, इसलिए वो मैंने लिखी। अगर ज्यादा टर्म्स होते तो मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन इसमें ज्यादा है नहीं, तो 7c6x रूट पावर 6 माइनस 7c7x रूट पावर 7, क्योंकि आपको x रूट पावर 5 का क्वेश्चन चाहिए, इसलिए हम x रेज पावर 5 तक ही लिख सकते हैं बाकी डायरेक्ट में। लेकिन यहां पर जो है, इसमें ज्यादा टर्म्स है नहीं, इसलिए मैंने यहां, अगर इसमें रेज पावर 10 होगा, इसमें रेज पावर 12, तो जहां जिसका क्वेश्चन आपको निकालना होगा x रेज पावर फॉर एग्जांपल r, तो आप r ही तक जाने की जरूरत है। आप इसी को सिंप्लीफाई किया, सिक्स सी जीरो होता है 1, फिर सिक्स सी वन, सिक्स सी वन होता है 6 इंटू 2 हो गया 12x, फिर सिक्स सी टू, 62 क्या हो गया 6 इंटू 5 बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 2 टू एक्स का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर बाई का 2 वन जा 2 थ्री जा 3 फाइव जा 15 इंटू 4 ये आएगा 3 फाइव जा 15 इंटू 4 60 तो दैट इज यही लिखा है प्लस 60x स्क्वायर। फिर इसी तरह 63 ये कोना ये बनेगा 160x क्यूब दैट यू कैन सी 60 4 2x का 4 दैट 240x रेस 65 दैट इज 190x रेस पावर 5 66 दैट इज 12 रेस पावर 6 होता है 64 इन टू x रेस पावर 6 ये हो गया ये पहला वाला। अब जो दूसरा फैक्टर है 7c0 होता है 1 7c1 होता है 7x 7c2 होता है 7 इनटू 6 बाय 2 दैट इज 4 दैट इज 21x स्क्वायर 7c3 यू कैन डू इट इट इज 7 35x क्यूब 7c4 35x 4 7c5 21x raised power 5 ये वैल्यूज आपको निकालने आएंगे। यू नो दैट 7c6 होता है 7x raised power 6 एंड दिस इज 1 माइनस x raised power 6। यहां तक तो ये सिंपल था। अब मेन क्वेश्चन है, आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x raised power 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ x raised power 5 कैसे हम लेंगे, देखो वही मैंने लिखा है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x raised power 5, फिर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x raised power 5 आएगा, 1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 1 है यहां से ये है, तो तभी बनेगा x रेज पावर 5। तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट आएगा 1 को मल्टीप्लाई माइनस 21 के साथ, ठीक है, ये हो गया 1 का हो गया। अब 12x, 12x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ये बनेगा प्लस, क्योंकि x इंटू x रेज पावर 4 दैट्स x रेज पावर 5, सो दिस इज प्लस, यहां आएगा 12 इंटू आएगा 35, 12 इंटू 35 ऑप्शन हमें लेना है 12 इंटू 35। फिर है एक्स स्क्वायर का किसके साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर का आएगा इस एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 5, तो ऑप्शन क्या आएगा प्लस
60 इंटू माइनस 35, ठीक है, हो गया ये भी। फिर x क्यूब, x क्यूब का किसके साथ लेंगे हम, x क्यूब का आएगा x स्क्वायर के साथ, ये तो प्लस 160 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 21 के साथ, 21 के साथ हो गया x क्यूब। फिर x रेज पावर 4 वाला किसके साथ लेंगे, x रेज पावर 4 आएगा 7x के साथ, इसका कोफिशिएंट क्या है 240 इंटू क्या आएगा माइनस 7, ठीक है, हो गया ये भी। अब x रेज पावर 5, x रेज पावर 5 को किससे आएगा 1 के साथ, तो वो आएगा x रेज पावर 5 का कोफिशिएंट प्लस 192 इंटू क्या आएगा इंटू आएगा 1। तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज पावर 5, यानी एक्स रेज पावर 5 कैसे बनेगा, 1 को 21 एक्स यानी 1 इंटू 20 माइनस 21, फिर एक्स को एक्स रेज पावर 4 के साथ 12 प्लस 12 इंटू 35, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ 6 प्लस 16 इंटू माइनस 35, फिर एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 160 इंटू 21 प्लस एक्स फोर को 240 एक्स के साथ माइनस 7, फिर 192 को किसके साथ 1 के साथ। अब ये एक्स रेज पावर 6 को किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये हायर पावर सब जाते हैं। तो ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज पावर 5, आप इसी को सिंपलीफाई करो एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज माइनस 21, 12 5 इज 60, 60 बाय 36, 36 दैट इज 420, माइनस 0, 2100, ठीक है, 2100 प्लस 3360 माइनस 3360, इसके बाद क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1680, 700, यस प्लस 192। आप जो प्लस वाले हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इनको अलग ऐड करो तो ये कितना बनता है, दिस इज 3972। और जो माइनस है, माइनस में ये है, ये है और ये है, और ये कितना बनता है 3801। दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज 3972 एंड दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस 21 दैट इज 38। और ये कितना आता है, ये आता है आपका आंसर 2 by 1 1, फिर आएगा 7171, दिस इज योर आंसर। Therefore, ऑप्शन ऑफ x रेज पावर 5 इज 171, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो आपको करना था, ये दिस इन टू दिस, दोनों को मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिया, लेकिन आपको x रेज पावर 5 तक है, तो फिर आपको देखना है कि ये पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 6 टर्म्स है, इसकी 8, ये 56 टर्म्स बनेंगे, आप कहोगे टर्म बाय टर्म करेंगे, फिर देखेंगे दैट इज वेरी लेंथी, वो आपको नहीं करना है, हम डायरेक्टली देखेंगे x रेज पावर 5 कैसे आएगा, जैसे 1 को देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, x को करेंगे x4 के साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर को x क्यूब के साथ, x क्यूब को x स्क्वायर के साथ, x4 को x के साथ और x5 को 1 के साथ, तो ये बनते हैं कोएफिशिएंट्स, इसको सिंपलीफाई किया दैट इज 171, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब और एक क्वेश्चन हम करेंगे इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज फाइंड एंड इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 इज रेज पावर एंड इज 6:1। रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यानी टी 5 टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड विच आई डिनोट बाई टी डैश 5 इज इक्वल टू 6:1, ठीक है। तो ये दिया गया है तो n का वैल्यू निकालते हैं। बिगनिंग के लिए आपको पता है t ऑफ r प्लस 1 कैसे निकालते हैं, इसी तरह अगर आपको है n r टर्म फ्रॉम एंड अगर हम निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला बनता है t ऑफ p
टी डैश है मैं इसको डिनोट करूंगा, टी डैश आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर एक्स रेज पावर आर इंटू वाई रेज पावर एन माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप देखोगे ना एक्स प्लस वाई फोर रेज पावर एन किसके बराबर होता है, एन सी जीरो एक्स रेज पावर एन प्लस डाई डैश लास्ट पर एन सी एन माइनस वन एक्स रेज पावर एक्स वाई रेज पावर एन और फिर एन सी एन वाई रेज पावर एन। देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एन टी वन वो क्या है एन सी एन वाई रेज पावर एन। इसी तरह टी टू देखो टी टू क्या आएगा एन सी एन माइनस वन एक्स वाई। अगर थर्ड टर्म देखेंगे थर्ड टर्म क्या होगा एन सी टू एन सी एन माइनस टू एक्स, ये है वाई रेज पावर एन माइनस वन, दिस इज वाई रेज पावर एन माइनस टू। सो व्हेन इट इज थ्री इट इज हियर एन माइनस टू, व्हेन इट इज टू इट इज एन माइनस वन, व्हेन इट इज वन इज एन माइनस जीरो, सो व्हेन इट इज आर प्लस वन देन इट इज एन माइनस आर। तो फिर एक्स का पावर बनता है दिस माइनस दिस वो बनेगा दिस इज हेयर एक्स स्क्वायर, हेयर ये बनता है एक्स का पावर बनता है दिस माइनस दिस वो आएगा वन, यहां पर आएगा दिस माइनस दिस वो आएगा टू और वाई का पावर ये बनता है। तो एक्स का पावर बनता है एन माइनस दिस एन माइनस एन प्लस आर एक्स रेज पावर आर एंड वाई रेज पावर एन माइनस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम n। अब ये हम क्वेश्चन पहले करेंगे सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले करेंगे जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे टी ऑफ फोर प्लस वन। इसके लिए फॉर्मूला याद है आपको, चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं एन सी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेज पावर आर। विच एम्प्लॉय जो फिफ्थ टर्म है दैट इज एन, एन क्या है इसमें एन तो एन ही है, सी आर इज फोर, व्हाट इज एक्स एक्स इज फोर्थ रूट ऑफ टू दैट मीन्स टू रेज पावर वन बाई फोर, ठीक है इंटू वाई, वाई इज वन बाई फोर्थ रूट ऑफ थ्री, थ्री रेज पावर वन बाई फोर रेज पावर आर, और यहां पर आता है एक्स रेज पावर एन माइनस आर, तो यहां पर आएगा एन माइनस फोर और यहां पर आएगा रेज पावर आर रेज पावर टू, एन सी आर एन सी फोर एक्स एक्स है वन वन बाई फोर्थ रूट ऑफ टू रेज पावर एन माइनस आर एन माइनस फोर इंटू वाई, वाई इज वन बाई थ्री रेज पावर वन बाई फोर फोर्थ रूट ऑफ थ्री का फोर्थ रूट रेज पावर फोर। अब ये किसके बराबर आएगा एन सी फोर, दिस इज एन सी फोर टू रेज पावर, टू रेज पावर कितना बनेगा ये बनेगा टू रेज पावर एन माइनस फोर बाई फोर बाई फोर, और ये क्या बनेगा एन टू, ये बनेगा फोर एंड फोर कैंसल फोर इंटू वन बाई फोर दैट्स इंटू वन बाई थ्री, ठीक है। देयरफोर जो फिफ्थ टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है एन दिस इज एन सी फोर बाई थ्री इंटू टू रेज पावर इंटू टू रेज पावर एन माइनस फोर बाई फोर हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फॉर्म एंड, इसको मैं डिनोट करूंगा टी डैश से, डैश मीन फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड टी डैश फाइव, वो बनेगा टी डैश फोर प्लस वन। आप इसको ये फॉर्मूला जो मैंने यहां लिखा है एन सी एन सी एन माइनस आर एक्स रेज पावर आर इंटू वाई रेज पावर आर, ये दिस इज फॉर टू, तो ये बनेगा टी डैश फाइव। इसके बनाए एन इज एन सी एन माइनस आर आर इज फोर दैट इज एन माइनस फोर एक्स एक्स है फोर्थ रूट ऑफ टू टू रेज पावर वन बाई फोर रेज पावर आर, आर इज व्हाट इज योर आर, आर इज फोर, ठीक है रेज पावर यहां पर आता है एक्स रेज पावर आर एंड वाई रेज पावर एन माइनस वन, सॉरी ये फॉर्मूला y रेज पावर n माइनस आर, यहां पर x रेज पावर r y रेज पावर n माइनस आर, ये तो हो गया इंटू y, व्हाट इज y, y इज 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ थर्ड
4 रेज पावर कितना बनेगा, 4 रेज पावर बनेगा n माइनस आर, दैट इज n माइनस 4, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो ये किसके बराबर आएगा, और वन स्टेप यहां पर ही मैं करूंगा, ये आएगा इस एम्प्लॉइज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज कॉल्ड एन सी एन माइनस 4, ये तो बनेगा 2, दिस इज सिंपली 4 टाइम 4 विल गेट कैंसल, दिस इज 2, 2 डिवाइड बाय क्या आएगा 3 रेज पावर एन माइनस 4 बाय 4, एन माइनस 4 बाय 4, दिस इज योर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दैट एन सी एन माइनस 4 इन एक्स रेज पावर इंटू 2 बाय 3 रेज पावर एन माइनस 4 बाय 4, ठीक है। ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दिस इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। नाउ इट इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, जो इनका रेशियो है दैट इज टी फाइव बाय टी डैश फाइव किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6:1, दिस इज 6:1, क्या ये बनेगा 6:1 मीन 6 by 1, और आई कैन राइट टी फाइव क्रॉस मल्टीप्लाइंग टी फाइव इज इक्वल टू 6 times t-5, ठीक है। अब टी फाइव का वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी फाइव, टी फाइव इज एन सी 4 by 3, एन सी 4 by 3 इंटू 2 रेज पावर एन माइनस 4 by 4 is equal to 6 times t dash 5 fifth term from and nc n minus 4 into 2 divided by kya hai, divided by 3 raised power n minus 4 by 4। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो ncr होता है, ncr किसके बराबर होता है, nc n minus r, इसलिए जो nc 4 होगा, NC4 किसके बराबर होगा, NCN माइनस 4, ये बराबर है, इसलिए ये और ये कैंसल, ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये अब हम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, लेट मी सी द क्वेश्चन, इट इज यस, जो क्वेश्चन में है इट इज नॉट 6:1, इसमें एक करेक्शन है, ये मैं देख रहा था, इट इज रूट 6:1, इट इज रूट 6:1, तो ये है रूट 6:1, दैट इज रूट 6 by 1, दिस इज रूट 6, इट्स नॉट 6, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज रूट 6:1, सो इट इज रूट 6 यहां पर, ठीक है, इट इज रूट 6। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, दैट इज 2 रेज पावर एन माइनस 4 by 4 into 3 raised power n minus 4 by 4 is equal to root 6 into 2 into 3, ये वाला 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आप देखो इस पे पावर सेम है, तो 3 2 हो गया 6 raised power n minus 4 by 4, 6 raised power बनेगा ये 6 raised power n minus 4 by 4 इसके बराबर आएगा, 2 3 is 6, 6 into root 6 That is 6 raised power 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. Yeah, yeah. Now, when they are equal, so powers are equal, equating the powers we get, n minus 4 by 4 is equal to 3 by 2. Cross multiplying we get n minus 4 is equal to 6. Therefore, 4, 3 is equal to 12 by 2 is 6, therefore n ka value I got 10. That completes your. So here we get n is equal to 10, that's your answer. So very simple, and ratio of, you have to find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end is root of 6:1. पहले हमने fifth term from beginning निकाली, वो आपको पता है t r plus 1. सिर्फ fifth term from the end के लिए formula ये आपको याद रखना है, ncn minus r, x raised power r, y raised power r. ये values मैंने दे दिए, ये simplify किया, ये आ गया. अब इसके बाद दिया गया इनका रेशियो जो है, दिस इज रूट 6:1, मैंने 6 लिखा था बट इट इज रूट 6:1, वही लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t5
का वैल्यू दिया, टी डैश फाइव का वैल्यू दिया, एन सी फोर एन सी एन माइनस फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एन सी आर इज फॉर एन सी एन माइनस आर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस इज फॉर दिस, ये सिंप्लीफाई किया वहां से निकला एन का वैल्यू 10, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन फॉर टुडे, थैंक यू।